नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि लुनिया लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, हमने 20x45 का 900 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान 3D प्लान कम्प्लीट ही बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए तभी समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप बहुत ज़रूरी इस वीडियो को आपको देखना। तो फ्रेंड, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह से सिविल संबंधित हाउस प्लान कम्प्लीट वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड, अब आपको अब ले चलते हैं हाउस के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो हम आ चुके हैं मकान के अंदर, एंटर कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो हम पार्किंग में खड़े हुए हैं, जो हमारी पार्किंग है। ठीक है, जहाँ से हमारा चढ़ाव ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर वाली बिल्डिंग में जाने का रास्ता है गाइस, उसी से एक विंडो लगी हुई हुई है। ठीक है फ्रेंड, दोनों डोर सामने लगे हुए हैं। ठीक है, पार्किंग में जो हमारी बाइक पार्किंग। ठीक है गाइस, और यहाँ से हमारी एक और विंडो बेडरूम की तरफ दी हुई है। अब हम चलते हैं हॉल में। ठीक, अब आ गए हम चले ये हॉल में। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये हॉल, तो दोस्तों ये हॉल है। तो गाइस, इसका जो 2D प्लान है वो हमने नाप का अभी नहीं बनाया है। कभी आपको ये वीडियो या प्लान अच्छा लगता है तो हम इसका बिल्कुल 2D प्लान वीडियो हम बिल्कुल कम्प्लीट ही बनाएंगे। इसमें आपको सारी चीज़ अलग अलग तरीके से सब नाप आपको हम बताएंगे गाइस। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अब ये किचन और डाइनिंग रूम। ठीक है, दोनों अटैच है, बीच में दीवार हमने नहीं दी। आप चाहो तो यहाँ से दीवार उठा के किचन को सेव कर सकते हैं, पर हमने नहीं करी। बिल्कुल कंफर्टेबल मकान हाउस मकान हमने बनाया है। ठीक है गाइस, अब फ्रेंड हम आपको ले चलते हैं सीधे। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, 2 मिनट। ठीक, जो आ गए हम बेडरूम में। ठीक है, जो हमारा एक बेडरूम है, जो बाहर की पार्किंग तरफ गेट दिया हुआ, एक विंडो भी दी हुई है हमने। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा बेडरूम हो गया। अब हम यहाँ से सीधे निकलते हैं, सीधे आपको हम बताएंगे लेटरिन बाथरूम जो हमारी अटैच, और एक जो हम आ चुके सीधे। तो गाइस, हम आ चुके हैं लेटरिन बाथरूम में, जो हमारा वॉश एरिया, सॉरी वॉशिंग मशीन को एक तरफ कर दें हम 2 सेकेंड। ठीक, जो वॉशिंग मशीन हमने एक तरफ कर दी, जी हमारा वॉश एरिया है छोटा सा। इसके बाद में हमारी ये लेटरिन। ठीक है फ्रेंड, जो लेटरिन हमारी, लेटरिन बाथरूम दोनों अटैच है। ठीक है गाइस, चाहे तो आप बाथरूम भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारा छोटा सा वॉश एरिया सामने। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। तो दोस्तों, जो प्लान कभी आपको अच्छा लगता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। इसका 2D प्लान हमने बिल्कुल कम्प्लीट ही हमारे पास बना हुआ रखा हुआ, उसके ऊपर से हम वीडियो बना के आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आप बिल्कुल देख लेना उसमें। तो गाइस, अब हम आ गए मास्टर बेडरूम में। जो हमारा मास्टर बेडरूम है, यहाँ से हमारी लेटरिन बाथरूम अटैच है, एक विंडो दी हुई है। ठीक है गाइस, हम सीधे चलते हैं मास्टर बेडरूम में। अब आ गए हम लेटरिन बाथरूम में। ठीक है गाइस, तो जो हमारी लेटरिन बाथरूम दोनों अटैच है, और जो काफ़ी बड़ी लेटरिन बाथरूम का साइज़ है हमारा, हम इसका भी नाप आपको 2D प्लान में कम्प्लीट ही बताएंगे। तो गाइस, जे हमने जो वीडियो बनाया बहुत मेहनत से बनाया है। आपको कभी ये वीडियो अच्छा लगता या लगे तो लाइक कर देना। ठीक है गाइस, और इसको आपको बाद एक बार और मैं रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, जो हमारा मास्टर बेडरूम से लेके तो हमारा डाइनिंग रूम और जो हमारा किचन। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम आते हैं सीधे जो हॉल, और उसके बाद में सामने बेडरूम। हम इसमें बेडरूम में से सीधे निकलते हैं पार्किंग में। ठीक है, जो हमारी बाइक पार्किंग, चढ़ाव का रास्ता यहाँ से ऊपर जाने का। ठीक है गाइस, और जो हमारा बाहर साइड का गेट। तो फ्रेंड, मैं इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ, आपको एक बार और कम्प्लीट ही बाहर से मैं पूरा ऊपर से क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी वीडियो 20x45 की 900 स्क्वायर फीट की कम्प्लीट 3D प्लान हमने बनाया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कभी अच्छा लगती हो या लग रही हो तो लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।